बचपन का प्यार गाने से रातों रात सोशल मीडिया स्टार बने सहदेव धिरदो सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 28 दिसंबर करीब शाम 5 बजे सहदेव अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह मिट्टी और बालू पड़ी हुई थी, जहां बाइक चला रहे पिता अपना नियंत्रण खो बैठे और बाइक फिसल गई। सहदेव सिर के बल गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सुकमा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सहदेव के सिर पर भी 4 टांके आए हैं और हाथ और पैर में भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। प्रदेश के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा को जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने फौरन सुकमा कलेक्ट्रेट को सहदेव के बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए। कुआसी लखमा ने जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से भी चर्चा की, जिसके बाद सहदेव की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जगदलपुर रेफर कर दिया गया है। सुकमा जिले के एसपी सुनील शर्मा और कलेक्टर विनीत बंदनवार सहदेव का हाल जानने के लिए जिला अस्पताल भी गए थे। आपको बता दें, सहदेव वही हैं जो एक गाने की वजह से रातों रात सोशल मीडिया स्टार बन गए थे। 2019 में सहदेव के उस टीचर ने उससे एक गाना गाने को कहा था। बच्चे ने जब गाना शुरू किया तो टीचर ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। फिर इस गाने पर रैपर बादशाह ने एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला। उसके बाद से ये गाना हर तरफ आग की तरह फैल गया, जिससे सहदेव की रातों रात किस्मत बदल गई थी। सहदेव का गाना इतना हिट हो गया था कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उनसे मुलाकात की थी और उसका गाना लाइव सुना और उसकी खूब तारीफ भी की थी। रैपर बादशाह ने ऑफिशियली रूप से सहदेव के साथ बचपन का प्यार गाना भी निकाला था, जिसके म्यूजिक वीडियो में बादशाह के साथ सहदेव भी थे। सहदेव के एक्सीडेंट की खबर सुनकर रैपर बादशाह ने भी उनके परिवार से बातचीत कर सहदेव का हालचाल जाना है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उनके ठीक होने की दुआ भी की है।